तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारी वीडियोस देख ही रहे हैं, तो देखिए जो बच्चे अभी तक 9 में थे अब वो 10 में आ गए हैं। इस बार उनका बोर्ड एग्जाम है, उन्हें बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। तो उसी उम्मीद के साथ आज हम केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जो क्लास 10th का जो हाई स्कूल का जो पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर को हम आज लेकर आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ पूरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर में एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही आपको 10 नंबर दिलाएगा। हाँ जी हाँ, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर से 8-10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। यहाँ से इस चैप्टर से पहले ही चैप्टर, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, हाँ अगर आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप में ऐप पर जाइए, वहां से इसका पूरा नोट्स प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमसे आप पूछ भी, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझिए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मोटा मोटा वो समझिए। अगर जहां पे आप लोगों को अगर ना समझ आए तो आप लोग पूछिएगा, फिर से बताने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए तुम्हारा पहला है चैप्टर का नाम ही है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम समझेंगे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद इसी का क्या समझेंगे, समीकरण, अभिक्रिया और इसी का समीकरण, इसी का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया करेंगे पहले हम लोग, फिर उसी का समीकरण भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है परिवर्तन, आता है थोड़ा सा, इसके पहले ही आता है लेकिन अभी आप समझिएगा क्या परिवर्तन। अब इसके भी दो भाग हो जाएंगे, फिजिकल और केमिकल, हम वो भी समझेंगे, ठीक है। परिवर्तन के बाद क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या, रासायनिक समीकरण को बैलेंसिंग करना, संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना मतलब बराबर करना, संतुलित करना। अगर मान लीजिए एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है, अगर राम के पास दो पूरी है श्याम के पास एक पूरी है, श्याम कहेगा कि हमें भी दो पूरी चाहिए, मतलब यही हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद जो आता है, दो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या, संक्षारण आता है, क्या, संक्षारण, संक्षारण, और एक और है विकृत गंधिता, क्या है, विकृत गंधिता। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। चैप्टर में सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। देखिए लॉन्ग में यहां से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग, यहां से लॉन्ग में 6 नंबर बनना 100% है, यहां से पक्का प्रश्न बनेगा बैलेंसिंग में, हर साल बनता है हर साल, और ये भी इसमें, ये भी यहां भी लॉन्ग बनता है, यहां से भी लॉन्ग बनता है, अथवा आएगा, लेकिन आएगा जरूर, यहां से इन दोनों में से एक में आएगा, अथवा करके आएगा लेकिन एक आएगा। और एक बात, हाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, हाँ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रकार, ठीक है। अब यहां से भी मल्टीपल में क्वेश्चन बनता है, कैसे, अगर समीकरण दे देगा उसके बाद पूछेगा कि ये कौन सा रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतलब बेसिक हो गया कि हमें इस चैप्टर में इतना पढ़ना है, ये इतनी टॉपिक है जिसके बारे में हमें एक एक करके समझना है। तो आइए दोस्तों हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ एग्जांपल देखे हैं, तो आप लोग उसको समझिएगा एग्जांपल। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा पहला एग्जांपल रहेगा, हमने एक फल लेते हैं, क्या लेते हैं, फल लेते हैं, एप्पल ही मान लेते हैं, सेब,
क्या फल लिया हमने, एक एप्पल लिया, हमने उसको बीच पर से काट दिया, क्या कर दिया हमने, सेब को काट दिया हमने चाकू से, उसे काट दिया हमने, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं हमने सेब को काट दिया। यह सेब क्या हुआ कि दो भागों में बट गया। और क्या किया हमने, हमने एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा रहेगा, हमने एक लकड़ी ली, क्या ली, एक लकड़ी ली, हमने लकड़ी को भी काट दिया, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं हमने लकड़ी को काट दिया, ये दो भागों में बट गया। और समझिए हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, क्या है, बर्फ का टुकड़ा है, हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है। अब देखिए जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो बर्फ का टुकड़ा है इतना बड़ा से है, वो धीरे धीरे पिघल कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जा रहा है। क्या इसमें कोई मतलब इसमें क्या कोई ऐसा बदलाव हो रहा है, क्या कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्या इसमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, नहीं। इन तीनों एग्जांपल में कुछ नया देखने को मिला क्या, नहीं मिला। इसमें हुआ क्या, आखिरकार में एक फल था गोलाकार, ये हमने से काट दिया कि दो भागों में बट गया, इसका गोला था इसका आकार चेंज हो गया, और क्या हुआ, इसका जो आकार था वो चेंज हो गया। और ये हमारे पास लकड़ी थी, क्या थी, लकड़ी थी, हमने से बीच पर से काट दिया, इसका भी आकार क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या हुआ, चेंज हो गया, इसका आकार जो था बदल गया है अब। और जो हमारा बर्फ का टुकड़ा था, ये हमारे पास पहले इतना बड़ा था, इतना बड़ा, ये धीरे 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 समय समय से धीरे धीरे पिघल कर छोटे 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 टुकड़ों में पिघल कर छोटा छोटा हो गया। अब क्या इसमें कोई नया कुछ, हमें इसमें कुछ नया देखने को मिला क्या, इसमें कुछ नया कुछ अभिक्रिया हुई, कुछ में इसमें कुछ जो हुई जो हमें कुछ देखने को मिला, नहीं मिला कुछ देखने को, कुछ भी नहीं मिला। हुआ क्या, बस और बस इसके आकार में बदलाव हुआ है, इसके आकार में बदलाव हुआ है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल और है उसको आप लोग समझिएगा। तो ये आप लोगों ने समझा कि जैसा कि ये हमारा था, केवल केवल और केवल इसके आकार में परिवर्तन आया है, किसमें, इसके आकार में परिवर्तन आया है। अब आपको हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या लिया था, लकड़ी लिया था ना, लकड़ी, मान लीजिए हमने लकड़ी को जला दिया, क्या कर दिया, लकड़ी को जला दिया। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लकड़ी को जला दिया, अब यहाँ पास हमें कुछ नया मिल रहा है, क्या मिला है, वहां क्या था, जब हमने लकड़ी को काटा था तो हमें कुछ नहीं मिला था, बस और बस उसके आकार में बदलाव हुआ था। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि हम जब लकड़ी को जला रहे हैं, यहाँ पास हमें कुछ नया पदार्थ मिल रहा है, कुछ नया तो मिल रहा है इसमें, यहाँ पास हमें जो है कुछ नया मिल रहा है, नया क्या मिल रहा है, लकड़ी था हमने उसे जला दिया, वो पाउडर के रूप में बदल गया। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास मोम है, क्या है, मोमबत्ती है, अब हम धीरे धीरे मोम को क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं, मोम धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल रहा है, जल के धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, इसमें भी कुछ नया देखने को मिल रहा है। और मान लीजिए हमारे पास दूध है, क्या है, दूध है, हमारे पास दूध है, दूध से मान लीजिए बन गया क्या, दही, आपके घर में आपके मम्मी लोग दूध से दही बनाती है, बनाती तो होंगी घर पे, तो वही हमारा है कि दूध से दही बन गया, इसमें भी कुछ हमें नया देखने को मिला, नया क्या हुआ, पहले हमारे पास दूध था, फिर क्या हुआ, उसके बाद दही बन गया, अब ये एक अलग पदार्थ था, ये एक अलग पदार्थ हो गया, तो कुछ नया तो इसमें हुआ ना। तो यही तो है हमें, मतलब कुल मिला के हमें जो पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। तो अभी इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे, वो थे भौतिक के, और ये जो है अभी हम आपको बता रहे हैं ये है रासायनिक के, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, अभी हम आपको एकदम डिटेल से बताते हैं, अभी इसमें बहुत चीज हमने छोड़ी है। तो अब देखिए मान लीजिए हम पहला लेते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या लेते हैं, भौतिक परिवर्तन लेते हैं, भौतिक परिवर्तन या बदलाव, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तन, ठीक है। अच्छा अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें, इसके पहले तो क्या दिया था, लकड़ी ली हमने, उसको काट दिया, बर्फ का टुकड़ा लिया, वो धीरे धीरे पिघल कर छोटा हो गया, क्या उसमें कुछ नया हमें देखने को मिला, नहीं मिला, उसमें बस केवल उसके पदार्थ के, किसके पदार्थ के, मान लीजिए पदार्थ जी वो एक तरीके से वो पदार्थ है, पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, किसके, उसके आकार में, केवल
क्या हमें उसमें कुछ नया देखने को मिला? नहीं मिला। उसके रंग में ताप में कुछ परिवर्तन हुआ? उसके संगठन में कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ। तो मान लीजिए इसका अगर परिभाषा आपको बनाना है, इसकी डिफिनेशन आपको लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें कि ऐसा बदलाव या फिर ऐसा परिवर्तन? क्या ऐसा बदलाव या परिवर्तन जिसमें पदार्थ मतलब आप लोग पदार्थ कक्षाओं में तो जानते होंगे, पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है। किसमें? भौतिक गुणों में बदलाव होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है। भौतिक गुण कैसे, क्या क्या होता है? भौतिक गुणों में बदलाव होता है, बदलाव भौतिक गुणों में बदलाव होता है। आप समझिए कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, गुणों में बदलाव होता है, उसे ही कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। मतलब पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या, जैसे आकार, मान लीजिए भौतिक गुण क्या हो गया, भौतिक गुण जैसे हो गया आकार, क्या हो गया? भौतिक गुण जैसे हो गया आकार, आकार हो गया, और उसकी अवस्था क्या हो गई? अवस्था। अच्छा आप देखिए, जब हमने बस, जो हमारे पास बस का जो टुकड़ा था उसे हमने, ये हमारे पास बस का टुकड़ा था, ये इतना बड़ा सा है बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। अब इसे हम धीरे 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 पिघला कर बर्फ छोटे 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 टुकड़ों में बदल गया, लेकिन हमें इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, इसका आकार बदल गया, अवस्था भी धीरे धीरे बदल रही है। अब इसकी अवस्था, ये हमारे पास जो बर्फ का टुकड़ा है, ये ठोस है, ये क्या है? ये ठोस है, ये जो बर्फ का जो हमारे पास टुकड़ा है ये ठोस है। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे छोटा होता चला जाएगा, ये धीरे धीरे द्रव में बदलेगा। किसमें? द्रव में, लिक्विड में, समझे ना, ये धीरे धीरे द्रव में बदलता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया। और जो हमारे, जो अभी हमने आपको बताया था, जो हमने लकड़ी ली थी, हमने भी उसको काट दिया, क्या कर दिया, लकड़ी ली थी हमारे पास, इतनी बड़ी सी थी, हमने उसे काट के दो भाग कर दिया, इसका भी क्या आकार चेंज हो गया। तो ये था हमारा क्या, ये आकार और अवस्था में परिवर्तन। अभी इसमें कुछ पॉइंट और है, हम आपको वो भी बताएंगे। तो कुछ पॉइंट आपके क्या है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, अभी जितने भी हमने इस परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, क्या इसमें कोई नया पदार्थ आपको देखने को मिला है? मिला क्या? क्या कोई इसमें उस बदलाव में नया पदार्थ मिला है? नहीं मिला है। तो इसमें आप लोग एक पॉइंट यह भी लिखेंगे कि इस बदलाव में, फिर इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अच्छा, अभी जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल बताया है, क्या उसमें कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना था यार, बस हमने, जैसे अगर बर्फ से अगर पानी बना है, तो पानी से फिर से तो बर्फ बन गया ना। तो मतलब क्या कि इसमें हम अपने पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस आ सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब इस बदलाव में पदार्थ के पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं। जा सकते हैं वो कैसे? मतलब अगर हम पदार्थ के पहली अवस्था में हैं, तो हम अगर पदार्थ पहली अवस्था से अगर दूसरी अवस्था में अगर जा रहे हैं, तो हम पहली अवस्था में वापस भी आ सकते हैं। कैसे? अभी हमने क्या लिया था, वही एग्जाम्पल हम बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कैसे? अभी हमारे पास जो बर्फ था, क्या था? बर्फ था। अच्छा, बर्फ जो था, जो बर्फ का टुकड़ा था, वो धीरे धीरे पिघल कर क्या बना? पानी बना था। जो बर्फ का टुकड़ा था, धीरे धीरे पिघल कर पानी बना। अब हम फिर से तो पानी को बर्फ बना सकते हैं,
होता है ना कि अभी तो गर्मियों का दिन आ रहा है, गर्मियों का समय आ रहा है, अब आप ठंडा ठंडा पानी ढूंढेंगे पीने के लिए, तो आप पानी तो रखते हैं फ्रिज में पीने के लिए, लेकिन होता क्या है कि अक्सर बर्फ बर्फ बन जाता है, मतलब कि जब बर्फ जो हमारा है पिघल कर पानी से फिर से तो बर्फ बन गया। तो ये हमारी हो गई पदार्थ की पहली अवस्था और ये हो गई पदार्थ की दूसरी अवस्था। तो अगर हम पदार्थ में ये हमारा मानिए ये हमारा पदार्थ है, तो हम इसमें पहली अगर इस पदार्थ से हम पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं तो दूसरी अवस्था में से पहली अवस्था में वापस से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास आपके कमरे में बोर्ड तो होगा, अगर आप अपने स्विच को ऑन करिए, जो आपके कमरे में जो बल्ब लगा है स्विच को ऑन करिए, बल्ब को अगर आप ऑन कर रहे हैं तो ऑफ भी तो कर सकते हैं, अगर जला रहे हैं तो बंद तो भी कर सकते हैं कि नहीं, तो मतलब कि हम उसी पदार्थ में पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं। तो वही हमारा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, यह है क्या है पहचान है ये, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा। और एक बात और है, यह परिवर्तन यह बदलाव दोनों दिशाओं में कार्य करता है, कैसे ये अभी ये आप लोग समझिएगा, यह परिवर्तन या फिर यह बदलाव दोनों दिशाओं में कार्य करता है, किसमें दोनों दिशाओं में, दोनों ही दिशाओं में कार्य करता है, क्या करता है कार्य करता है, कैसे करता है अभी हम आपको बताएंगे कैसे कार्य करता है। इसे क्या कहेंगे, इसे अगर जब दोनों दिशाओं में कार्य कर रहा है तो इसका कुछ नाम होगा, बिल्कुल है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय क्रमणीय, इसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा अब ये दोनों दिशाओं में कैसे कार्य करता है पहले आप लोग उसको समझिए, ठीक है कहते हैं। अच्छा अब आप लोग ये समझिए कि दोनों दिशाओं में कार्य कैसे करता है, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल हमारा रहेगा, पहले वाला ही बर्फ रहेगा हमारा, क्या रहेगा बर्फ रहेगा, फिर क्या रहेगा बर्फ से क्या बनता है पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है, इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ये तो आप लोग समझ गए। अच्छा जो हमारा बर्फ है, हम बर्फ का जो टुकड़ा था वो धीरे धीरे पिघल कर क्या बन गया पानी बन गया, तो एक हमारी ये हो गई पहली दिशा हो गई, क्या हो गई पहली दिशा क्या थी कि बर्फ का जो टुकड़ा था वो धीरे धीरे पिघल कर पानी बन गया। अब देखिए यहाँ पास पानी से फिर से हम लोग बर्फ बना दिए, हमने पानी को रखा फ्रिज में, क्या बन गया बर्फ बन गया, तो यही हमारी क्या हो गई बर्फ से पानी हो गया, जो माना बर्फ है ये हो गया पहली अवस्था और जो पानी है ये हो गया दूसरी अवस्था, तो बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो यही हमारा क्या होगा कि ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है, तो इसे कहते हैं क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अभी आप लोगों ने समझा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो अब आप लोग समझिए कि भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, क्या भौतिक परिवर्तन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण, ठीक है अभी ये समझिए आप लोग। तो अभी इसके पहले आप लोगों ने समझा था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो इसकी डिफिनेशन होती है उसे आपको कैसे लिखना है, तो आपको डिफिनेशन कैसे लिखनी है कि ऐसा बदलाव या फिर ऐसा परिवर्तन या फिर वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों का ही बदलाव होता है, तो उसे ही कहते हैं क्या भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण कैसे, उसका आकार हो गया, उसकी अवस्था हो गई, और भौतिक परिवर्तन में उसके मूल गुण जो होते हैं उसमें बदलाव नहीं होते हैं, क्या मूल गुण जो होते हैं उसमें बदलाव नहीं होते हैं। अच्छा अब आप लोग ये समझिए कि भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, जो पहला गुण जो हमारा होगा कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्या इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला गुण। अभी हमने भौतिक परिवर्तन में जितने भी आपको उदाहरण बताए हैं, क्या उसमें कोई नया पदार्थ बना है, नहीं बना है उसमें, और
दूसरा जो हमारा गुण होगा, इस बदलाव में फिर इस परिवर्तन में हम पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं। तो अभी हमने इसके पहले आपको जस्ट ही समझाया है, तो पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं, पदार्थ की पिछली अवस्था में, पिछली अवस्था में वापस वापस जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, पदार्थ की पिछली अवस्था में। ठीक है, तो अभी हमने आपको जस्ट बताया भी था। और तीसरा जो हमारा रहेगा, इस बदलाव में फिर इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, पदार्थ के मूल गुणों में, मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन के पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव नहीं होता है। और जो चौथा जो हमारा रहेगा, चौथा हमारा है, इसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, पदार्थ को हम पुनः कैसे प्राप्त करेंगे, अभी जब हमने आपको जब एग्जांपल जब बताया था, अगर हम बर्फ से अगर पानी बना रहे हैं, आप समझिए, अगर हमारे पास ये बर्फ था, अगर हमने बर्फ से क्या किया, पानी बनाया, क्या बनाया, पानी, तो हम पानी से फिर से तो बर्फ बना रहे हैं। जो हमारा पहला जो था, हमारा जो पहला अवस्था था, जो हमारी पहली अवस्था है, उसमें हम फिर से तो आ रहे हैं ना, मतलब जो पहला जो पदार्थ हमें था वो हमें फिर से मिल गया। जो चौथा गुण है, यही कह रहा है क्या कि पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा रहेगा, पांचवा हमारा रहेगा, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है, कहते हैं क्योंकि यह दोनों दिशाओं में कार्य करता है, इधर पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन के गुण हो गए कुछ। ठीक है, इससे भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो अगर आप लोग इसकी जो डिफिनीशन है उसको लिखने के बाद इसे भी आप लोगों को लिख देना है। तो अभी समझिए कि आप लोग की इससे कुछ एग्जांपल आप लोग समझ। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने समझा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वो समझा आप लोगों ने, और भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने वह भी समझा। अब यह समझिए कि भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कुछ देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, क्या उदाहरण, परिवर्तन के उदाहरण, उदाहरण। ठीक है, तो इससे कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, क्या क्या होते हैं जो कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में जो होता है। तो आपके पेपर में जो आता है ज्यादातर, हम आपको वही बताएंगे। ठीक है, तो जो पहला जो होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोम का पिघलना। ठीक है, मोमबत्ती जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, मोम का पिघलना। तो यह भी एक प्रकार का क्या होगा, भौतिक परिवर्तन ही होगा। ठीक है, और जो दूसरा आता है हमारा, बर्फ का पिघलना, अभी हमने आपको बताया भी था, बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का कटना, यह भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है, बल्ब को ऑन करना, ऑफ करना। ठीक है, जो हमारा बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, उसे ऑन करना या ऑफ करना। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना, ठीक है, क्या, सॉरी, कागज का फटना, क्या, कागज का फटना क्या होगा,
कागज का फटना बहुत सारे हैं अभी, तो ये हमारे क्या होंगे भौतिक परिवर्तन। ये कुछ एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन के। तो देखिए इसमें जो मोम का जो पिघलना है, जो पहला है मोम का पिघलना, ठीक है, इससे आप लोग कुछ ध्यान दीजिएगा। एक अभी इसमें आएगा मोम का जलना, इसी में थोड़ा चेंज है, आप लोग समझिएगा, मोम का जलना, ठीक है, मोम का जलना ये दूसरा है, ये दूसरा है, जलना अलग हो गया, पिघलना अलग हो गया, ठीक है, पिघलना, क्या पिघलना, ठीक है। अच्छा, अब जलना और पिघलना में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। अंतर क्या है? अंतर यह है, अगर मोम अगर जल रहा है तो जल के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे अपने घरों में, या फिर जब दीपावली आती है तभी आप लोग देखते हैं, जब मोम को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो मतलब कि एकदम खत्म हो जाता है, धीरे धीरे जल के खत्म हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। लेकिन जो मोम का जो पिघलना होता है, जब मोम हम लोग पिघलाते हैं तो केवल और केवल उसके आकार में बदलाव आता है, ना कि हमें कोई नया पदार्थ देखने को मिलता है, ना कि इसके कोई भौतिक गुणों में बदलाव होता है, ना ही इसके हमें इसमें कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब जलेगा तो हमें नया पदार्थ देखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे जल के खत्म हो जाएगा, हमें प्रकाश भी देगा, उष्मा देगी, लाइट देगी, ठीक है। लेकिन जब पिघलेगा क्या होगा? केवल और केवल इसके आकार में बदलाव होगा। कितने आकार में? ये मोम ऐसी होती है ना, ऐसे मान लीजिए मोम है, ठीक है, ये मोम होती है हमारी, ठीक है, मान लीजिए मोम है, ये धीरे धीरे जब इसे हम पिघला देंगे तो ये धीरे धीरे अपना आकार कुछ ऐसा वैसा कुछ ले लेगी, ठीक है, मतलब ये पिघल जाएगी धीरे धीरे, तो बस इसके आकार में बदलाव हो जाएगा। मतलब पिघलना अलग होता है और जलना अलग होता है, यही आपके पेपर में आएगा, 100% आपके पेपर में आता है। एग्जाम्पल मल्टीपल में देगा कि ये बताइए कि मोम का जलना है, फिर मोम का पिघलना, कौन सा बदलाव है, कौन सा परिवर्तन है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर जलना दे दिया तो आपको यह देखना है क्या इसमें इसके मूल गुणों में बदलाव हो रहा है, हम पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है। अगर केवल आकार और अवस्था में बदलाव होगा, किसमें? आकार और अवस्था में, आकार और अवस्था में, किसमें? अवस्था में, आकार और अवस्था में अगर बदलाव हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि ये कौन सा, ये भौतिक परिवर्तन होगा, समझ गए? तो ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, बनेगा ही, ये पेपर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि इसमें बच्चे हमेशा डाउट रहते हैं, तो आपको डाउट नहीं होना है कि जलना और पिघलना में अंतर क्या है। बहुत अंतर है, अंतर यह है कि ये जब जलेगा तो एक पदार्थ मिलेगा, लेकिन जब पिघलेगा तो हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना है। तो ये अभी हमने समझा क्या कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो हमने भौतिक तो हमने समझ लिया, अब हमारा बचा है क्या रासायनिक परिवर्तन, तो उसे हम समझेंगे। देखिए अभी हम अगर इस वीडियो में अगर हम उसको भी समझेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी, तो वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनेगी। तो अब हम जो समझेंगे रासायनिक परिवर्तन, उसे हम समझेंगे अगले पार्ट 2 में। तो तब तक ये वीडियो आप लोग पढ़ते रहिए, तब हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 में।